नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूँ सचदानंद। पटना के हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसे बाजार समिति कहा जाता है, और इस पूरे इलाके में आपको बता दें कि कोचिंग का गढ़ है, यानी कि आपको यहाँ 10वीं से लेकर UPSC के तमाम जो कोचिंग संस्थान हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 10वीं पास होकर 11वीं की 12वीं की तैयारी करने के लिए पटना आते हैं, या फिर UPSC की तैयारी करने के लिए आते हैं, BPSC की तैयारी करने के लिए आते हैं, JEE मेंस की तैयारी करने के लिए आते हैं, या फिर आपको नीट की तैयारी करना है, तो ये जो बाजार समिति के आसपास का जो 2 से 3 किलोमीटर का इलाका है, जिसमें मुसल्लपुर हाट हो गया, विकना पहाड़ी हो गया, इन तमाम इलाकों में जो है वो आपको पटना के तमाम बड़े बड़े संस्थान, कोचिंग संस्थान जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना की पहचान खान सर से होती है, रहमान सर से होती है, तो खान सर, रहमान सर जैसे तमाम जो बड़े बड़े शिक्षक हैं वो, उनका भी जो कोचिंग है वो भी है इन्हीं एरिया में पढ़ाते हैं, तो आपको उनका भी कोचिंग संस्थान इन्हीं एरिया में मिल जाएगा। उसके साथ ही तमाम जो बड़े बड़े कोचिंग है आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा दें कि यहाँ पे आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोचिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ मैथ के लिए भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ केमिस्ट्री के लिए भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, और इकट्ठा आप 12th की तैयारी करने के लिए भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही JEE मेंस की तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, BPSC की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप जनरल कंपटीशन जो होता है, जिसमें SSC हो गया और भी बाकी के जो परीक्षाएं होती है, उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी के लिए भी आपको जो तमाम कोचिंग है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। बाजार समिति में जब आएंगे और इसके आसपास का 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें तमाम कोचिंग अवेलेबल है, आप आ सकते हैं, कोचिंग में बात कर सकते हैं, बात करके आप फीस कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं कम फीस पर भी है, कहीं फीस ज़्यादा भी है, तो वो आपके जिस सब्जेक्ट के हिसाब से उसका फीस जो है तय होता है। इन कोचिंगों में आकर आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप छोड़कर दूसरे कोचिंग में भी जा सकते हैं। तो तमाम जो पूरे बिहार से जो छात्र होते हैं वो अगर कोचिंग करने के लिए कहीं आते हैं तो बाजार समिति के 2 से 3 किलोमीटर के इस पूरे क्षेत्र में आकर वो कोचिंग करते हैं। कहाँ के रहने? बेगूसराय जिला के। बाजार समिति किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? यहाँ मतलब कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ सभी तरह के कोचिंग आपको मिल जाएंगे, और अभी सभी अच्छे अच्छे कोचिंग मिल जाएंगे, स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ सभी प्रकार का फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ कौन कौन परीक्षाएं के लिए कोचिंग अवेलेबल है? यहाँ पे आपको नीट का एग्ज़ाम हो जाएगा, IIT का एग्ज़ाम, और आर्ट्स का भी हो सकता है, ओलंपियाड का भी होता है, ये सब का आपको। कितना कोचिंग होगा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? स्टूडेंट के पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे बिहार से लोग आते हैं? हाँ, पूरे बिहार, झारखंड से भी हैं, UP से भी हैं, लोग यहाँ आके पढ़ाई करते हैं। हाँ, पढ़ाई करने के लिए। आप कहाँ से आए? हम बेगूसराय से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी से आए हैं। मधुबनी से। बाजार समिति आपको क्या लगता है किस लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? जनरल कंपटीशन के लिए, उसके बाद नीट के लिए, IIT के लिए भी, और मतलब कि और सारे एग्जाम के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए बाहर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, दूसरे जिला से। आपको हर एक प्रकार का कोचिंग मिलेगा, जो जो चीज़ की तैयारी करना है, जैसे नीट, IIT, जनरल कंपटीशन, ऐसे इस सब के लिए आपको कोचिंग मिलेगा यहाँ पर, और बहुत अच्छा फैकल्टी यहाँ पे चलता है। पटना इसे बिहार में एक नंबर में आता है स्टडी मामले, जिस वजह से बच्चे, स्टूडेंट लोग यहाँ पर आते हैं। तमाम जो कंपटीशनों का, तमाम सब्जेक्टों की तैयारी जो होती है, बच्चे जो हैं वो बाजार समिति में ही आकर करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बाजार समिति का जो इलाका है वो कोचिंग संस्थानों का एक गढ़ है, यहाँ पे आपको तमाम कोचिंग संस्थान देखने को मिल जाएंगे। पटना से न्यूज 18 के लिए सच्चिदानंद की रिपोर्ट।